मेरा नाम प्रसाद सहस्रबुद्धे है। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन मैं बी मैकेनिकल एमबीए फाइनेंस हूँ और एक वर्किंग स्टूडेंट हूँ। मैंने जैसा मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होने की वजह से इंटरमीडिएट में मुझे लॉ जो था वो एग्ज़ाम था। मैंने जो लॉ की जो भी पढ़ाई की है वो फाइनल लेवल पर ही पढ़ाई की है। मैंने इंटरमीडिएट में लॉ की उतना एग्जामिशन की वजह से मैं उतना पढ़ नहीं पाया था। तो अभी फाइनल में जब मैंने लॉ की पढ़ाई की तो मैंने मोहित सर के जो मॉक एग्जाम्स थे वो मैंने देना शुरू किया था, जिसकी वजह से मुझे टॉपिक वाइज क्लैरिटी आ गई थी कि किसमें क्या लिखना है क्या नहीं। और मोहित सर जो 6 महीना एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, जो टॉपिक वाइज होते हैं, फिर सेक्शन वाइज होते हैं और फिर जो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसका मुझे पर्सनल लेवल पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत फायदा हुआ। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है। तो एक तरीके से थोड़ा सा डर रहता है दिल में कि बाबा क्या लिख क्या है पेपर में एग्जैक्टली, जिसकी वजह से मार्क्स मिल पाए। तो वो मेरा डर ये मॉक एग्जाम्स की वजह से निकल गया था। इवन दो ये बार मैं लॉ में एग्जामिशन मैंने मुझे मिला है, फर्स्ट टाइम मैंने दिया था सिलेबस 2022 में और मुझे फर्स्ट टाइम में एग्जामिशन मिला था। मैंने इससे पहले लॉ दिया नहीं था और मेरे भले मैं इस बार लॉ में एग्जामिशन ले पाया हूँ, 3 सब्जेक्ट मेरे बचे हुए हैं SFM SCM DT, क्योंकि वर्किंग की वजह से मुझे उतना टाइम मिला नहीं था। बट डेफिनेटली आने वाले टर्म में मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आई विल बी अ क्वालिफाइड CMA। ये तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगा कि सर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आप फॉलो कीजिए और मॉक एग्जाम्स को मिस ना करें, सीरियसली उसको देने की कोशिश करें, जिससे कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। एग्जाम से पहले आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैं बीइंग अ फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ये चीज़ कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। और जो लोग पास हो गए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो मेरी तरह क्लियर नहीं कर पाए इस बार वो अपना होप लूज ना करें। ये एक आने वाले टर्म में क्या गलतियां हुई है उसको इंट्रोस्पेक्ट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिससे कि आप डेफिनेटली मेरी तरह आने वाले टर्म में क्वालिफाइड CMA बन पाएंगे। December 24 में हम लोग डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।